को दुनिया से अलविदा कहे 2 साल होने जा रहे हैं। बता दें 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में उनका निधन हो गया था। साथ ही श्रीदेवी परिवार की एक शादी में शामिल होने दुबई गई थी, लेकिन अफसोस उस शादी में शिरकत तो नहीं ले पाई, ना ही इस दुनिया में दोबारा लौट कर आई। बता दें श्रीदेवी की याद में बोनी कपूर यानी कि उनके पति बोनी कपूर ने एक किताब लॉन्च की है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने भी इस लॉन्च इवेंट में शिरकत दी। साथ ही श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते को लेकर बातें भी कही। दीपिका पादुकोण ने यहाँ श्रीदेवी की जीवनी के विमोचन के अवसर पर यानी कि इनॉग्रेशन के मौके पर बताया कि वो श्री देवी को वह चैंपियन मानती थी। उन्होंने कहा 2007 में जब मैंने अपना करियर शुरू ही किया था, तब से लेकर अब तक मैंने जितने भी फिल्में की थी, श्री देवी जी मुझे हर फिल्म के बाद मैसेज कर बधाई देती थी, साथ ही मुझे जीवन में आगे बढ़ते रहने की सलाह भी देती थी। वो सारे मैसेज मेरे पास आज तक सेव हैं। कभी भी मन करता है उन्हें दोबारा पढ़ती हूँ तो आंखें भर आती हैं। जी हाँ, श्री देवी की यादें मेरे मन में इतनी ताज़ा हैं, इतनी अनमोल हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। वो मेरे साथ मेरे जीवन के अंत तक रहेंगी और जब मैं आंखें बंद करूंगी तभी वो सारी यादें भी खत्म होंगी। आगे दीपिका ने कहा कि हमारे रिश्ते इतने अच्छे थे कि हम एक दूसरे से घर पर बात भी किया करते थे। जब मैं परेशान होती थी तब मैं उन्हें फ़ोन किया करती थी। हालांकि श्री देवी जी भी जब किसी मुसीबत या कंफ्यूजन में होती थी तो वो भी मुझे फ़ोन कर सलाह लिया करती थी। आखिरी बार जब हम मिले थे तो घर पर रहने वाले स्टाफ से होने वाली परेशानी पर बात कर रहे थे। दीपिका ने कहा कि वह एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो पर्सनली रूप से मुझे बेहद ज्यादा पसंद थी। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। इस कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण साड़ी पहनकर पहुंची, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। श्रीदेवी को याद कर बोनी कपूर इवेंट में सबके सामने रोने लगे। दीपिका के कंधे पर सर रखकर बोनी को रोते देखा गया। हालांकि दीपिका ने उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश की और उन्हें पूरा सपोर्ट किया, सांत्वना दी। इस किताब का नाम तो चलिए आप बताते हैं, श्री देवी के नाम किताब जो लॉन्च की गई है, जो कि उनके पति बोनी कपूर ने लिखी है, उसका नाम क्या है? इस किताब का नाम श्री देवी द इंटरनल स्क्रीन गॉडेस है, जिसके लेखक सत्यार्थ नायक हैं। दीपिका ने बताया कि जब बोनी कपूर ने उनसे पूछा कि वह उनकी पत्नी किताब लॉन्च करने में आएंगी, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि श्री देवी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। मेरा जुड़ाव, मेरा लगाव श्री देवी जी के साथ बेहद ज़्यादा था। अगर उनकी खुशी के पल में मैं उनके साथ रहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही दीपिका ने कहा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा है कि उन्हें श्री देवी की किताब लॉन्च के समय पर यहाँ आने का मौका मिला। बता दें कि श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार रही थी। श्रीदेवी के यूं अचानक चले जाने का ना केवल सिर्फ फिल्मी जगत को बल्कि देश के हर नागरिक को दुख था। आज भी यकीन नहीं होता कि बॉलीवुड की इतनी सुपरस्टार लेडी, इतनी ग्लैमरस हीरोइन श्रीदेवी जी हम सबके बीच नहीं है। उनके निधन के बाद तमाम सितारों ने उनके साथ बिताए पल और यादें साझा की। नेक्स्ट 9 लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।